तो और भाई, क्या हाल चाल आपका? तो आज हम लोग बात करेंगे डेडपूल 3 की एक थ्योरी के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि डेडपूल 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में कैसे डेडपूल टाइम ट्रेवल करता है और अपने पुराने ही वर्जन जो कि वॉल्वरीन 1 में हम लोग देखते हैं, एक्समैन ऑरिजिन्स वॉल्वरीन में, उसको जाके मार देता है, जो कि बहुत ही उसका ऑब्वियसली घटिया वर्जन था, तो वो मार देता है। और हम लोग देखते हैं एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास में वॉल्वरीन भी टाइम ट्रेवल करता है कुछ इवेंट्स को सही करने के लिए। तो दोनों ने ही टाइम ट्रेवल का यूज किया है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो टीवीए इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, और जैसे ही टीवीए इन्वॉल्व हो जाएगा वो इन दोनों को साथ में ले आ सकता है, और वही एक बड़ी कॉप टाइप की मूवी बन सकती है। अब ये देखते हैं कि इसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है और क्या ये प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि एमसीओ भी पुराने मार्वल मूवीज को यूज कर सकता है कि नहीं नए एग्रीमेंट के तौर से, ये देखने वाली बात होगी। बट ये एक बेहतरीन थ्योरी लग रही है, क्योंकि इससे टीवीए सीधा इन्वॉल्व हो सकता है, और हम लोग के पास लोकी के टीवी सीरीज के इवेंट के बाद ये पता भी है कि टीवीए टाइम ट्रेवल वाले जो बेकार वाली चीजें होती हैं, जो नहीं होनी चाहिए थी, उसको वो कंट्रोल करता है। तो देखते हैं अब इसका, इस थ्योरी का आगे क्या होता है। करिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।